विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस भिलाई नगर दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। इंडस्ट्रियल ड्राफ्टिंग बी थर्ड सेमेस्टर मेकाट्रॉनिक्स बेस्ड ऑन जीटीयू अहमदाबाद सिलेबस के आधार पर यूनिट वन इंट्रोडक्शन के तहत डायमेंशनिंग के बारे में हम बात करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग डेफिनेशन, ये लैंग्वेज ए ग्राफिकल लैंग्वेज दैट कम्युनिकेट आइडिया एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन माइंड टू अनदर इज इंजीनियरिंग ड्राइंग आर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में जो भी आइडिया ग्राफिकली जो ट्रांसफर होता है या उसको हम या कम्युनिकेट होता है उसको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कहते हैं। डायमेंशनिंग इन इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। डायमेंशनिंग, डायमेंशनिंग ऑफ ए कंपोनेंट इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग कंप्लीट शेप डिस्क्रिप्शन मस्ट आल्सो फर्निशिंग फॉर्मेशन रिगार्डिंग द साइज डिस्क्रिप्शन। दीज आर प्रोवाइडिंग थ्रू द डिस्टेंस बिटवीन द सर्फेसेस, लोकेशन ऑफ होल, नेचर ऑफ सर्फेस फिनिश, टाइप ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा। द एक्सप्रेशन ऑफ दिस फीचर ऑन ए ड्राइंग यूजिंग लाइन, सिंबल, फिगर्स एंड नोट इज कॉल्ड डायमेंशनिंग। एरोस, डायमेंशनिंग में एरो का बहुत महत्व होता है। हम किसी भी सरफेस के एक एंड से दूसरे एंड तक या उसकी लेंथ का एक एंड से दूसरे एंड तक के इन एरो के द्वारा दिखाते हैं। जैसे ये एंड है और यहाँ से एरो स्टार्ट होता है और यहाँ एक एंड होगा और यहाँ करो इसके ऊपर हम यहाँ यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन कितना इस तरह लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, इस तरह का अगर हम एरो यूज़ करते हैं तो क्लोज बोलते हैं, ये ऑब्लिक स्ट्रोक है, ये ओपन 90 है, ये स्मॉल ओपन सर्कल है, ये क्लोज एंड फील्ड टाइप एरो है, ये ओपन 20 डिग्री एरो है। एरो के जो शेप है ये देखिए 3:1 होता है। ए गुड एरो इज क्लोज एंड फील्ड, इट्स रेशियो, इट्स लेंथ एंड विड्थ इज 3:1। डायमेंशनिंग फिगर यूनिट्स, द एस पी 46:2003 स्टैंडर्ड एडॉप्ट द यूनिट ऑफ लेंथ डायमेंशन इन मिलीमीटर विदाउट स्पेसिफाई ए यूनिट सिंबल एमएम, एंगुलर डायमेंशन इन डिग्री विद ए सिंबल ओ प्लेस बिहाइंड द फिगर एंड इफ नेसेसरी मिनट एंड सेकेंड में बी यूज टूगेदर। यहाँ बता देने योग्य बात है कि एस पी 46:2003 स्टैंडर्ड है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने के स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वह वहाँ यही स्टैंडर्ड यूज होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो स्कूल कॉलेज में यूज होगा वहाँ एस पी 46:2003 ईयर है, इस ईयर में लॉन्च हुआ था, इसके पहले 1998 में लॉन्च हुआ था और इसके रिवीजन जो बाद में आएंगे वो उसके ईयर के हिसाब, लेकिन उस स्टैंडर्ड को हम एस पी 46 बोलते हैं। जैसे BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है वैसे ही एस पी 46 होता है। मेथड ऑफ इंडिकेटिंग डायमेंशन, द डायमेंशन आर इंडिकेटेड ऑन द ड्राइंग अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड। मेथड वन, अलाइन मेथड, डायमेंशन शुड बी प्लेस पैरेलल टू एंड अबव देयर डायमेंशन लाइन एंड परफेक्ट प्रेफरेबली एट द मिडिल एंड द क्लियर ऑफ द लाइन। मेथड टू, यूनी डायरेक्शनल मेथड, डायमेंशन शुड बी इंडिकेटेड सो दैट दे कैन बी रीड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ड्राइंग ओनली। नॉन हॉरिजेंटल डायमेंशन लाइन आर इंडिकेटेड प्रेफरेबली इन द मिडिल फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ डायमेंशन। नोट, हॉरिजेंटल डायमेंशनल लाइन आर नॉट ब्रोकन टू प्लेस द डायमेंशन इन द बोथ केसेस। डू नॉट यूज बोथ सिस्टम ऑन द ड्राइंग, सेम ड्राइंग आर ऑन द सेम सीरीज ऑफ ड्राइंग। ये लाइन सिस्टम फॉर ए टू टू ए फाइव सीट साइज, देखिए इस तरह से नॉर्मली लाइन जो सिस्टम हमने जो साइज ए टू से ए फाइव की जो सीट रहेगी उसमें ही यूज करते हैं। और एरो हेड हाइट अगर वन है तो 3H का रेशियो रखा है, ये जो ये वन रहेगा और ये थ्री रहेगा। ये देखिए इसमें हॉरिजेंटली इसके ऊपर इस तरह से लिखेंगे और ये इस तरह से रहेगा, बट
सेम यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है फॉर लार्ज साइज शीट के लिए। जैसे देखिए हॉरिजेंटली लिखे यहाँ भी, और यहाँ भी हॉरिजेंटली 20 लिखेंगे, नॉट इस तरह से। यानी अगर इस तरह से प्लेस किया पूरे वर्ड, अगर हॉरिजेंटली लिखते चले गए चाहे वर्टिकल के लिए हो चाहे हॉरिजेंटल, यूनिट डायरेक्शनल सिस्टम कहते हैं। और देख लीजिए अलाइन सिस्टम वैल्यू रीड फ्रॉम द बॉटम एंड राइट साइड, ये देखिए ये अलाइन सिस्टम है और ये देखिए इस साइड रहते। बट यूनिडायरेक्शनल में किसी भी कंडीशन में ये देखिए हॉरिजेंटल 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 इस तरह से। और अगर ये आर्क है तो आर्क में देखिए ये हॉरिजेंटल लिखा, बट इसमें इस एरो के साथ लिख देंगे। अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशन, द अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशन ऑन द ड्राइंग मस्ट इंडिकेट क्लियरली द पर्पस ऑफ द डिजाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दे आर अरेंज इन थ्री वे, चैन डायमेंशनिंग, पैरेलल डायमेंशनिंग, कंबाइंड डायमेंशन। चैन डायमेंशनिंग देखिए ये इस तरह से, जैसे ए यहाँ से यहाँ, फिर देन ए, फिर ई, मतलब इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका, इस तरह से चैन के रूप में लिखते हैं, इसको चैन डायमेंशनिंग बोलते हैं। पैरेलल डायमेंशनिंग, पैरेलल डायमेंशनिंग कंसिस्ट ऑफ द सेवरल डायमेंशन ऑर्गेनाइज फ्रॉम द वन प्रोजेक्शन लाइन। ये देखिए यहाँ से यहाँ के लिए ये दिखाया, और फिर इसी एरो से यहाँ तक का जो डायमेंशन, इसको फिर यहाँ से ये इस तरह से करेंगे तो पैरेलल डायमेंशनिंग है। कंबाइंड डायमेंशन, एक कंबाइंड डायमेंशन यूजेस बॉस चैन एंड पैरेलल डायमेंशन। ये देखिए दोनों का यूज, ये यहाँ से यहाँ इसको इस तरह दिखा दी, इसको और इसको, और ये यहाँ से यहाँ तक का, और ये फिर ये कंबाइन है पैरेलल, ये देखिए पैरेलल और चैन और ये पैरेलल मिला करके, ये और ये और पैरेलल, इस तरह से कंबाइंड डायमेंशन बोलते हैं। ये लाइन इज लेंथ विदाउट द थिकनेस, द बाउंड्री ऑफ ए सरफेस इज ए लाइन। लाइन ऑन एन इंजीनियरिंग ड्राइंग सिग्निफाई मोर देन जस्ट द ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड इट इज द इम्पॉर्टेंट दैट द अप्रोप्रिएट लाइन टाइप इज यूज। टाइप ऑफ लाइन यूज इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग, एप्लीकेशन ऑफ द लाइन ऑन द ड्राइंग। देखियो ये डायमेंशनिंग लाइन है, कंटिन्यूअस थिक लाइन ए, ये देखिए एक कंटिन्यूअस थिक लाइन है ए, कंटिन्यूअस थीन लाइन बी, ये देखिए ये लाइन जो है कंटिन्यूअस थीन लाइन है। ये कहाँ यूज करते हैं, ब्रोकिंग के लिए। अगर इस पार्ट हमको यहाँ से पूरा ना दिखाना है या ब्रोकिंग करना है तब उसके लिए इस तरह की लाइन यूज करते हैं हम लोग। कंटिन्यूअस बॉर्डर लाइन के लिए यूज करते हैं, या ऑब्जेक्ट के मेन जो लाइन रहता है उसके ड्रॉ करेंगे शॉर्ट जिगजैग। अभी देखिए ये पार्ट यहाँ से आगे नहीं होगा, यहीं खत्म करना है, इसके लिए शॉर्ट जिगजैग होता है। कंटिन्यूअस थीन इनसाइड का जो डायमेंशन है वो इस तरह से करते हैं, शॉर्ट डैश मीडियम डॉटेड लाइन। देखिए ए डैश जो हिडन लाइनेस होती है ना वो इस तरह से दिखाई जाती है। लॉन्ग चैन थीन, ये सेंट्रल लाइन को दिखाने का तरीका ये इस तरह से होता है। कटिंग प्लेन लाइन ये इस तरह से, और कटिंग प्लेन लाइन इन टॉप व्यू इस तरह से, इस तरह दिखाते हैं। इस तरह से लाइन का यूज और कहाँ किस तरह से शो करते हैं ये, इसके बारे में हमने यहाँ बात किया।